भी जोड़ा वहां जाता है। लड़का लड़की क्या किया उसमें नाम लिख दिया, उस पर पता उस पर क्या किया है, लड़का लड़की अपना नाम लिख दिया है, अमित लिखा है, अमित के साथ प्रिया, प्रिया के साथ अमित, ये सब चीजें उस पर लिखा हुआ है। हम तो शशिकांत जी को भी बोले कि ये चीज जो करता है उसको बाहर कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको जेल भेजिए। हम एक दिन गए इको पार्क, शशिकांत जी भी थे वहां उपस्थित, वहां जो पेड़ जो लगा हुआ है सब पौधा वगैरह सब लगा हुआ, एक और कौन सा कांटा वाला जो पौधा था वो है उसका बड़ा बड़ा जिसका पत्ता होता है बड़ा बड़ा मोटा मोटा पत्ता, सिंसवेरिया, सिंसवेरिया जो पत्ता है उसका मोटा मोटा पत्ता, उस पर क्या किया है, लड़का लड़की अपना नाम लिख दिया है, प्रेमी जोड़ा वहां जाता है, लड़का लड़की क्या किया उसमें नाम लिख दिया उस पर। तो मतलब कि कोई भी अगर टूरिस्ट आए या कोई भी आदमी आए तो देख करके बड़ा उसको, तो इसलिए जितने नौजवान हैं सब यहाँ जो उपस्थित हैं जो पीढ़ी है, तो कि इन चीज़ों को अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, ये चीज़ों को आप लोग पकड़ करिए। आप देखिए बाहर में भी देख ली, इधर क्या लिखा है उस पर, अमित लिखा है, अमित के साथ प्रिया, प्रिया के साथ अमित, ये सब चीजें उस पर लिखा हुआ है। तो हम तो शशिकांत जी को भी बोले कि ये चीज जो करता है उसको बाहर कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको जेल भेजिए, ये चीज जो करता है ये चीज। अच्छा पेड़ को हम काहे भाई नुकसान पहुंचाए, भाई हम पेड़ को बचा रहे हैं, नौजवान सब है अलग अलग तरीके का ग्रुप बनाता है आपकी, पेड़ को बचाना है, पर्यावरण बचाना है, और वही जो नौजवान जो है वही अपना गर्लफ्रेंड का नाम लिख देता है। तो इसलिए आप लोग पूरे तरीके से ये इन चीजों को आप लोग देखिए कि बारीकी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए इन चीजों को भी आप देखिए समझिए। अच्छा बड़ा बड़ा पुराना पुराना इमारत है, हेरिटेज हिस्टोरिकल, आप मनेर में चले जाइए जो दरगाह है वह मनेर पे आप जाकर के देखिए, दरगाह पे माथा टेकने गए लोग प्रेमी जोड़ा, वहां भी नाम लिखा है लोग। तो इन चीजों को, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, इन चीजों से, देखिए आप लोग का क्या पर्सनल जिंदगी है उससे हम प्रणाम करते हैं, उससे दूर रहते हैं, लेकिन हमारे नेचर को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हमारे नेचर, हमारा वृक्ष, हमारा पेड़, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और क्योंकि उसको भी तकलीफ होता है। अब आप ब्लेड लेकर के गए हैं वहां, आप ब्लेड से उसको चीर रहे हैं, आप बताइए कि वो पेड़ जो है बोल नहीं सकता है, वो हिले डुलेगा कि ए, हटाओ क्या कर रहे हो, वो नहीं बोलेगा, वो जैसे है वैसे रहेगा, अंदर में कितना तकलीफ होता होगा उसको। तो ये सारी चीजें देखिए, कुल्हाड़ी को काट के फेंक देना चाहिए, बहा देना चाहिए नदी में, ना कुल्हाड़ी रहेगा ना पेड़ कटेगा, ये अभियान चलाइए। और जहां पेड़ अपने गिर गया, जिस जहां से पेड़ सूख गया उसको हटाया, वहां फिर उसी स्थान पे पुनः वृक्षारोपण कर दिया।